Assalamualaikum. Welcome back to my channel Kaman Chaudhary. और आज हम बात करने वाले हैं कतर में मेरे को क्या क्या अकोमोडेशन मिला, मेरा रूम कैसा है, क्या क्या मिला रूम में, रूम का साइज कितना है, रूम में कितने जन रह सकते हैं और रूम में क्या क्या अपने को मिलता है. तो चलिए रूम का एटू जो आपको दिखाते हमारे साथ. तो ये है अपना एंट्रेंस जैसे हम लोग अंदर जाते ये सब रूम थे. यहाँ पे टोटल 78 रूम है टोटल. आगे से अशरफ भाई मामू और भाई लोग क्या हाल है? बस मजे में. क्या बंदी बंदी. टोटल यहाँ पे 78 रूम से. आइए आपको एकदम लास्ट तक दिखाते हैं. और भाई लास्ट रूम जो है एक फ्लोर में 78 रूम्स है. आपको बताया था 78 है, 77 है. तो वहां से शुरुआत होता है अपना. टोटल 78 रूम है. एक रूम में टोटल चार जन लोग रहते हैं. आइए रूम का अंदर का सीन दिखाता हूं आपको. नंबर F58, दिस इज माय रूम. सो आई एम गोइंग टू एंटर एंड दिस इज द स्विच ऑफ द लाइट्स एंड द लाइट इज ऑन. You can see. So there are almost 4 beds. You can see 1, 2, 3, and 4. हर बेड के साथ एक कबर्ड है जिसमें आप कपड़े रख सकते हैं. इसके साथ और एक है जिसमें आप पर्सनल सामान रख सकते हैं. वो लोग अपने को एक ताला भी दिए साथ में और अपना ट्रॉली इधर रख सकते हैं. शू के लिए जगह इधर है. ये अपना जो ड्रॉयर है इसमें हम पर्सनल सामान रख सकते हैं. अपने को बेडशीट, मैट्रेस, पिलो, उसका ब्लैंकेट सब ओढ़ने के लिए अपने को दिए. अपने को रूम में A to Z वो लोगों ने सब कुछ दे. इवन खाने के लिए प्लेट से लेके ग्लास से लेके सब कुछ. अभी अपने को दोपहर को खाने के साथ जैसे कि ये सेब मिला, उसके बाद ये मिल्क मिला, ये सब भी देते. तभी मैं वहाँ पे खाया नहीं था रूम पे लेके आया. अभी मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ. बोला कि इवनिंग टाइम में इवनिंग स्नैक्स के साथ में खाऊंगा. तो ये भी अपना एक भूख मिटाने का फ्री जरिया है. और रूम में अपना एसी भी है. देख सकते हैं रूम में कहीं पे फैन नहीं है. इंडिया में फैन रहता है लेकिन यहाँ पे फैन का कोई सीन नहीं है. यहाँ पे एसी रहता है एसी. एंड दिस इज द स्विच ऑफ द एसी चालू किया. आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया आवाज आ रहा है. यहाँ से बहुत बढ़िया कूलिंग होता है. पूरा रूम एकदम कूल ठंडा माफिक हो जाता है पूरा रूम. एंड दिस इज द विंडो. You can see this is the window. Wow, what a look, man! What a look! Let us look outside the window. Outside, this is the building. जो अपने को सब building exact same to same है. ऐसा ही सब building आप देख पा रहे हो. सब building ऐसे ही same to same है. सब के सब. शुक्रिया है, लाख लाख शुक्रिया है जो अपने को इतना अच्छा फैसिलिटीज दिया उन्होंने अर्बन हॉस्पिटलिटी की तरफ से. अपने को एसी रूम्स विथ वाईफाई, 24 आवर्स सर्विस, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, जिसमें लंच में अपने को आज मिला चिकन बिरयानी मिला. डेली का अलग अलग आइटम रहता है. डेली का नॉन वेज रहता है. जिसको वेज चाहिए वेज का ही मिलेगा, नॉन वेज का भी मिलेगा. लेकिन जो खाना रहता है दूसरे हॉस्पिटलिटी से इट इज द बेस्ट वन. आई थिंक इट इज द बेस्ट वन. और मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो अर्बन हॉस्पिटल के अंडर ही जाइए. वहां पे आपको अच्छा खासा सैलरी भी दिया जाएगा, अच्छा खासा फैसिलिटीज दिया जाएगा. अभी जैसे कि मैं अपना रूम का सीन दिखाया, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना किचन का सीन दिखाऊंगा. अभी चलिए जाके अपना बिल्डिंग का बाहर का सीन दिखा दे, बाहर का सीन कैसा है. इससे पहले हम लोग वॉशरूम देखेंगे. अपने को वॉशरूम दिया गया है तो जितने लोग है उसके हिसाब से अपना ये वॉशरूम है. दिस इज द बेसिन. एक फ्लोर में दो दो वॉशरूम है. दिस इज द बेसिन. बेसिन है जहाँ पे हम लोग वजू भी कर सकते हैं, ब्रश वगैरह से लेके तो यहाँ पे कर सकते हैं. और ये नहाने की जगह बचेंगे एरिया. 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 दरवाजे के साथ दिया. 5 जन एक साथ नहा सकते हैं यहाँ पे. और दिस इज फॉर द यूरिनल and this is for the toilets.
बिल्डिंग्स आर सेम एज वी सी ऑल द बिल्डिंग्स लुक लाइक सेम दिस इज आर बिल्डिंग अंडर अर्बन हॉस्पिटल डी आई शो यू फ्रॉम द अंदर साइड आपको अपना नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना किचन दिखाऊंगा जहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं खाना वगैरह में क्या क्या मिलता है वगैरह मिलता है और ये अपना अपना बिल्डिंग है ये B17 है B17 T1 B17 T2 और वो जो जगह दिख रहा है वहाँ पे हम लोग बैठ के आराम कर सकते हैं बिल्कुल मतलब एकदम घर जैसा फील इट्स लाइक ए होम एंड वी आर एंजॉइंग यस वी आर एंजॉइंग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जिमनेशियम के बारे में बताऊंगा इधर जिमनेशियम में क्या क्या मिलता है और अपना खाने में क्या क्या मिलता है अपने किचन में क्या क्या अवेलेबल है डिनर में लंच में ब्रेकफास्ट में सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को थैंक यू मिलते हैं आपसे बाय